है। इसके लिए केंद्र सरकार से कर्मचारियों के एनपीएस के पैसे वापस करने की मांग की है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। इसे लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना का मसला देश भर में चर्चा में है। गैर भाजपाई राज्यों में खासतौर पर ये मुद्दा उछल रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड में भी सोरेन सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की है, लेकिन इसे लागू करने में सबसे बड़ी अड़चन राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा राशि है, जिसे लौटाने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का लगभग 17,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा है। राज्य सरकार के मुताबिक यह पैसा केंद्र सरकार लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकती है। केंद्र के पैसा लौटाने से इनकार करने के बाद इस बारे में कानूनी राय ली जा सकती है। हमने और राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का जो पैसा जमा है उसको अब राज्य वापिस चाहता है, ताकि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के तहत उनको उनकी राशि दे दें। केंद्र सरकार को इसमें अड़ंगा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हमने कल ही आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान पढ़ा कि पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस योजना के विरोध में ही केंद्र सरकार है, इसलिए शायद ये पैसे वापस नहीं करने का निर्णय हो रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है। वहीं बीजेपी नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला प्रावधानों के तहत लिया है और कांग्रेस जिस तरह भेदभाव का आरोप लगा रही है वह जायज नहीं है। ओल्ड पेंशन जो है उसके अंदर में जो है वो जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो अन्य राज्य के साथ में जो व्यवहार है वो यहाँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर भी है। कोई अलग व्यवहार नहीं है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हम पैसा नहीं देंगे और बाकी स्टेट को पैसा देंगे, ये नहीं है। आप प्रमाण के साथ में किसी तथ्य को अगर रखिए और अगर दोहरा व्यवहार अगर छत्तीसगढ़ के साथ में हो रहा है, हम बात करेंगे उसके अंदर में। हालात ऐसे हैं कि ओपीएस को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। कर्मचारियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। उन्हें सियासी नफा नुकसान से इतर अपने हितों के प्रभावित होने का डर सता रहा है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।